हेलो गाइस, आज मैं कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाने वाला हूं। तो देखिए, डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रहा हूं। तो 2 मीटर कपड़ा लिया हूं मैं, इस तरह से फोल्ड किया हूं। जितना हिप है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा करके, यानी हिप जितना है 2 इंच लूजिंग का और 2 इंच एक्स्ट्रा रख के मार्जिन के लिए मैंने उस हिसाब से ऐसा फोल्ड कर लिया है। और इस तरह से फोल्ड करके हम इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने लेंथ नीचे से जो भी लेना था ले लिया है, मतलब 44 के करीब ले लिया है। हालांकि ये 2 मीटर ही कपड़ा है, लेकिन मैंने 44 के करीब लिया है। तो इस तरह से फोल्ड करके लेंगे तो ऐसा घुमा फिरा के बैठ जाता है। तो इस तरह से मैंने मेजरमेंट लिया है, और जो भी शोल्डर है उस तरह का निशान लगा लेना है। समझो 15 इंच है तो हमको 7.5 पे लगाना है, लेकिन मैं 7.5 पे नहीं लगा के 7 पे लगा रहा हूँ। आधा इंच माइनस करके पहले ही लगा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, जो भी नेक आपका ब्रॉडिंग रखना है, ब्रॉडिंग अपने आप हिसाब से रखना है आपको, जो भी रखना है उससे आधा इंच कम करके आपको लगाना है। समझो आपको 6 इंच पहनना है ब्रॉडिंग पूरा टोटल, तो आपको 5.5 पे ही लगाना है, क्योंकि एक आधा इंच ऑटोमेटिक ये ब्रॉड हो जाएगा। उस हिसाब से यहाँ निशान लगा लेना है। तो मुझे समझो 6.5 पे चाहिए, तो मैं 5.5 के हिसाब से 2.75 पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से 1 इंच शोल्डर हम डाउन कर देंगे, जिस तरह हम ब्लाउजों में करते हैं उस तरह से ही करना है। इस तरह से 1 इंच डाउन करना है, ये फुल शोल्डर कटिंग हो रहा है इसलिए 1 इंच डाउन करना है। तो फुल शोल्डर में कभी भी इस तरह से डाउन 1 इंच ही होता है, तो 1 से 1.25 इंच तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूल मैंने 7 इंच उतारा है, और इस तरह से 7 इंच जहाँ उतारा है वहीं पे हमको अपर चेस्ट होता है, लेकिन अपर चेस्ट हमको यहाँ पे मेजर नहीं करना है। फुल जो चेस्ट होता है उसके हिसाब से 3 इंच लूजिंग देके हमको निशान लगाना है, ठीक है। जो भी आपका फुल चेस्ट है उसके हिसाब से, समझो आपको समझो 36 है तो आपको 39 के हिसाब से निशान लगा लेना है, कि आपका 39 कितने से डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना बैठेगा, तो उतना लगा लेना है। यानी कि 10 पे लगाएंगे तो ये बराबर बैठ जाएगा, तो उस हिसाब से आपको लगा लेना है। और इस तरह से आधा इंच मैंने क्रॉस फ्रंट पे और माइनस कर लिया। तो पहले आधा इंच मैंने शोल्डर में किया था, आधा इंच और जाके क्रॉस फ्रंट पे कर लिया, यानी हमारा जो है टोटल यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाया मैंने। कहाँ पे? क्रॉस फ्रंट पे। और उस तरह निशान लगा के मैंने सेप दे दिया है, ठीक है। अब हम नेक नाप लेंगे, जो भी नेक है उसको हम क्या करेंगे, जितना भी लो रखना है उतने पर हम निशान लगा लेंगे, और जो भी नेक रखना है उसको हम उस तरह से ड्राॅइंग कर देंगे। तो ड्राॅइंग जो भी नेक रखना चाहो आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। तो आप तो जानते हो कुर्तियों में अलग अलग नेक होते हैं, तो उस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक का मैंने निशान लगा दिया है, आपको क्लियर नहीं दिखता होगा लेकिन आप समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी आप समझ सकते हो। और यहाँ पे अगर आपके लेडीज जो इसका भी आप बना रहे हो उसका अगर हाइट बड़ा है तो 14.5 पे निशान लगाओ, 14 भी लगा सकते हो, लेकिन 15 पे भी लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादातर 15 पे लगता है कमर का वेस्ट का जो भी लेंथ होता है। उसके बाद हिप मैंने 22 पे लिया था। तो इस तरीके से मेजर करके अब जो भी हमारा वेस्ट है, जो भी आपके मेजरमेंट में 5 इंच एक्स्ट्रा करके ज्वाइंट करके लगा दो, क्योंकि 5 इंच लूजिंग नहीं आएगा। जब भी हम डार्ट लगाएंगे तो उसमें चला जाता है 2 इंच के करीब। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए, मैंने वहाँ पे निशान लगा के इस तरह का शेप दिया। ये हिप लाइन है, हिप लाइन पे हमको सिर्फ 2 इंच की लूजिंग देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो जो भी हमारा हिप है समझो 38 है, तो 40 के हिसाब से 40 इंच का, यानी कि 10 इंच पे लगा के आप कर सकते हो। उससे ज़्यादा है तो उस हिसाब से 2 इंच जो भी है आप निशान लगा लगा के इस तरह से कर सकते हो। ज़्यादा है शेप तो भी आपको उतना ही लगाना है, लेकिन हिप अगर बड़ा हो तो आप जहाँ पे निशान लगाए हो उससे 2 इंच ऊपर स्लिट करोगे तो ऑटोमेटिक ये बराबर रहेगा, और वहाँ से स्लिट से सीधा निशान इस तरह से एकदम नीचे की तरफ जाना है, यानी स्ट्रेट बिल्कुल जाना है। तो क्या होगा कि एकदम स्ट्रेट कुर्ती कटिंग हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, हिप के ऊपर आपको ये स्लिट का निशान लगाना है तो हिप पे लगाओ, नहीं तो लो जाना है तो लो थोड़ा ऊपर थोड़ा जा सकते हो, लो नहीं जाना है आपको, तो लो नहीं जाना है, मैंने गलती से लो बोल दिया। तो आपको हाई पे जाना है, यानी 2 इंच ऊपर आप अगर निशान लगाते हो तो अच्छी तरह से ये होता है। देखिए, मैंने निशान लगा के कटिंग चालू कर दिया। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है, और मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। इसमें मार्जिन पे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये फरमा नहीं है, डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग हो रहा है। तो कभी भी कपड़े पे कटिंग होता है तो इस तरह से मार्जिन के छोड़ते हुए, यानी कि मार्जिन का पार्ट हमको छोड़ना है, तभी अच्छी तरह से ये बराबर होगा। इस तरह से हमको कपड़े को बराबर क्लीन कर लेना है और कटिंग कर देना है। नीचे भी देखो, मैंने निशान लगाया था जो आपको नहीं दिखा होगा, तो इस हिसाब से नीचे भी हमको इस तरह से जो भी फोल्ड करना है उतना निशान हमको लगा लेना है। स्लिट का निशान भी हम कम्प्लीट कर लेंगे, यानी लगा लेंगे। अब हम नेक की कटिंग कर देंगे, तो इस तरीके से रख लेना है। तो देखो कितना बेहतरीन शेप आया है साइड में। साइड में ज़्यादा पॉइंटेड शेप नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने लगाया है उस तरह करना है। हम नेक का जो मैंने मार्किंग किया था उससे एक दाब छोड़ते हुए, यानी 3 सूत के करीब इस तरह से कटिंग कर लेना है नेक का जो भी शेप होगा, ठीक है। डायरेक्ट कटिंग कर लेना है, बाद में कैसे बनाना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें किस तरह से मैं कटिंग करके किस तरह बनाता हूँ। तो मेरा तरीका जो है अलग होता है, मैं नेक पहले ही कटिंग कर देता हूँ, बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं बराबर कटिंग करके ही बनाता हूँ। इस तरह साइड का मैंने मार्किंग उठा लिया, जो पीछे हमने
जो भी हमारा दूसरे तरफ भी लग गया, जैसे एक जैसा एक इक्वल हो गया, यानी मैंने एक ही मार्किंग ऊपर किया था, जब कटिंग में हम करते हैं तो एक ही तरफ होता है, तो इसको मैंने सेम उठाया, तो मार्कविल से नहीं उठाया मैंने, मैं इस तरह से चौक से उंगली के सहारे निकाल लिया हूँ, इस तरह से भी लगाओगे तो चलता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने लगा लिया, ये कम्प्लीट हो गया, मेरा फ्रंट का कटिंग हो गया है। अब हम इसका बैक कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जिस तरह है, इसको हटा देंगे, अब बैक को हम कटिंग करेंगे। तो सेम हमने पलट के इस बार बिछाया है, जैसे अल्टी पल्टी करके बिछाया है, तो उतना ही फोल्डिंग पे इसको भी रखा है। हल्का सा देखिए कहाँ पे जो भी हमारा आर्मोल वगैरह कटा था वहाँ पे घुस के ये बराबर अच्छी तरह से हमारा लेंथ यहाँ पे निकल जाता है। तो 2 मीटर कपड़े में भी आप चाहो तो 44 तक का लेंथ निकाल सकते हो, यानी कि जो भी कुर्ते का लेंथ है निकाल सकते हो। और स्लीव वगैरह जो साइड का पैनल ये इधर का बचा है, और जो इसमें जो मैंने फोल्ड किया ऊपर बचा है, ये दोनों मिला के दोनों साइडों से जो बचता है, इसमें आप कोई भी स्लीव कर सकते हो, फुल स्लीव आराम से बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इस तरह से देखिए मैंने कटिंग कर दिया, आधा इंच बढ़ा के किया मैंने ऊपर की तरफ। आप ध्यान से देखो, दिखता नहीं होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, तो उस पर आप वो करो, मेरे बोलने पे चले जाओ कि मैंने इस तरह से कर लिया। जो भी शोल्डर हमारा ओरिजिनल है वो हम यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे, नहीं 15 है तो 7.5 पे निशान लगा के इस तरह से मार्किंग कर देना है। तो थोड़ा ताल को छोड़ते हुए स्ट्रेट आके करना है, जिस तरह से उतना ही मार्किंग करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। और इस तरह से कटिंग करना है मार्जिन छोड़ते हुए, यानी मार्जिन जो मैंने लगाया उस पर नहीं करना है, छोड़ना है, और यहाँ आके बिल्कुल फ्रंट के बराबर में हमको कटिंग कर देना है एकदम, जो सेम टू सेम अभी हम किसको कॉपी करेंगे, जो फ्रंट का पार्ट है उसको। तो इस तरह से बराबर पे कॉपी करते हुए आपको जाना है, बिल्कुल मैं सिलो में दिखा रहा हूँ आपको, देख लो किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो इस तरह से बराबर समझ में आएगा। अब शोल्डर है देखिए, मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, या तो हम नाप के जितना हमारा शोल्डर सीम है उतना जो है हम क्या करेंगे, ये बैक पे रख देंगे, तो जो भी निकला है यहाँ पे रख के हम बराबर करके वहाँ निशान लगाएंगे, और इस तरह से नेक का ब्रॉडिंग दे देंगे, तो नेक ब्रॉड हो जाएगा फ्रंट के मुकाबले, 1 इंच ज़्यादा हो जाएगा बैक का, और लो आपको उतना रखना है जो सर चला जाए आराम से, यानी 23 अगर खींच के पूरा ऑलराउंड नापोगे तो 23 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सर नहीं जाएगा। या तो जिप वगैरह लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन मैं लूज़ फिटिंग का बना रहा हूँ, ये गर्मी का ड्रेस है यानी कि कॉटन है, तो इस हिसाब से मैं लूज़ पे बना रहा हूँ। बहुत लोग जिप वाला पसंद नहीं करते हैं, जो घर में जो पहना जाता है फिटिंग वाला नहीं होता है, लूज होता है, तो उस हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ। और इस तरह से मैंने ये बराबर कर लिया है, थोड़ा ये अभी देखो लेंथ कितनी अच्छी तरीके से बराबर निकल चुका है, तो इस तरह से कम कपड़े में भी कटिंग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 मीटर में आपका कुर्ती कटिंग नहीं होगी, आपका अगर 40 चेस्ट तक भी कटिंग करना है तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से करके अब मैं कटिंग करके दिखा दिया आपको कि इस तरह से बैक का कटिंग होता है फ्रंट रख के, ठीक है। और इस तरह से हमको बराबर कर लेना है, अगर पेट किसी का बड़ा है तो आगे का फ्रंट जो है नीचे लटका के कटिंग करना है, यानी शेप में, अगर किसी का हिप बड़ा है तो बैक को थोड़ा लटका के आपको कटिंग करना है। ये आपको बराबर ध्यान रहना है, कभी भी कुर्ती कटिंग करते हो तो लेबलिंग उसका जो होता है जो दामन का, उसके अंदर कम ज़्यादा आपको कर लेना है, तो ये ज़रूरी है। हिप बड़ा है तो बैक को करना है, अगर पेट किसी का निकला हुआ है तो आपको फ्रंट को करना है, ठीक है। अगर बिल्कुल स्लिम लड़की है, एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सीधा कटिंग कर सकते हो, इस तरीके से आपको कटिंग करना है। अब देखिए मैंने वो कर लिया, बैक को बराबर करके मैं एक डाट लगाऊंगा, तो बिल्कुल वेस्ट के सामने ही लगाना है, जो भी आपने वेस्ट का शेप दिया है बिल्कुल उसके जस्ट ठीक सामने लगाना है आपको, और अपने अंदाज से जो सेंटर है निकालना है निकाल लो, आप ऐसा लगाओ कि देखने में खूबसूरत लगे, उसी के सामने लगाना है, यानी डार्ट पॉइंट जितने पर होता है उससे थोड़ा बढ़ा के लगता है, यानी समझो कि आपका डार्ट पॉइंट 7 इंच पर कटिंग करते हो तो इट को 8.5 पे कटिंग करोगे तो चलेगा। इस तरह से निशान लगा के, और दूसरे तरफ भी हम निशान उंगली के सहारे चौक से ही लगा देंगे, हमको मार्बल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रिंट कपड़ों में दिखाई नहीं देता है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे निशान सेम टू सेम उतार लेंगे दूसरे तरफ भी बैक का, इस तरह से हम सेंटर का भी निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम डार्ट मारेंगे तो स्लिम वहीं पर सेंटर निकालना है जहाँ मैंने सेंटर का निशान लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारा दोनों पार्ट की कटिंग हो गया। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, तो देखिए कितना कपड़ा बचा हुआ है, बिल्कुल आराम से आप कटिंग कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, जो भी स्लीव चाहिए आराम से कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 3-4 निकाल रहा हूँ, जो भी डिमांड होता है उस हिसाब से मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तो जो भी स्लीव है इस तरह से करके आप मार्किंग कर सकते हो, आर्मोल जो भी फ्रंट का है उससे आधा इंच बढ़ा के आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो। तो देखिए आर्मोल मैंने कैसे लगाया है, इस तरह से लगाना है आपको, 1 इंच की 1.5 इंच की लूजिंग पे कुर्ती के अंदर कम से कम आर्मोल को बड़ा रख के ही कटिंग करना है, कुर्ती के अंदर भी और इसमें भी, तो इसमें आधा इंच और बढ़ा लेना है बॉडी के हिसाब से, यानी कि जब भी आप फ्रंट या बैक का पार्ट जो होता है ऊपर का कुर्ती का
उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी के हिसाब से स्लीव्स को आपको आधा इंच बढ़ा के इस तरह से मार्किंग करके कटिंग कर देना है। और देखिए यहाँ भी मैं मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर रहा हूँ क्योंकि हमको फोल्डिंग लेना है, तो इस हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ कम ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे वाइट पट्टी लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, मुझे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि घर में ये रफली पहनने वाला है तो लगा के कुछ मतलब नहीं है, सो वाला बना के कुछ इसमें मतलब नहीं है। तो इस हिसाब से मैं बिल्कुल सिंपल कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरह का सेप कटिंग किया, कैसा दिख रहा है आपको। एक स्लीव्स कटिंग होगा तो दूसरा हमको कटिंग करना है। तो कभी भी एक को ऊपर एक रख के फोल्ड करके मत किया करो, कभी भी छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए जो है एक स्लीव्स कटिंग करके दूसरा इस तरह रख लेंगे तो एक जैसा कटिंग होता है। इस तरह कटिंग करेंगे तो परफेक्ट दोनों स्लीव्स एक जैसा एक बराबर निकलता है। और तार को सीधा रखना है, यानी जो बिनावट की जो तार होती है कपड़े की, ये हर जगह आपको ध्यान देना है कि कपड़े का तार कहीं भी ऐसा क्रॉस नहीं जाना चाहिए, एकदम स्ट्रेट एकदम परफेक्ट कटिंग होना चाहिए। तो ये सब तरीका होता है कटिंग करने का और कपड़ा बिछाने का। तो ये बिछाने का भी तरीका होता है कि किस तरह हमको बिछाएंगे तो कपड़े का लुक बेहतरीन आएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने जिस तरह से रखा है उसी तरह से आपको रखना है, यानी ज़रा भी क्रॉस या तिरछा इस तरह से कपड़े को नहीं बिछाना है, ताकि आपका जो है कभी भी ऐठन आ जाएगा, यानी कपड़े में जो बल पड़ता है क्रॉस के वजह से भी पड़ता है। तो उस सब का ये तार का बहुत ध्यान देना है, कपड़े की जो तार होती है यानी कि खड़ा आड़े का जो हिसाब किताब होता है प्रॉपर होना चाहिए, ज़रा भी ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्लीव्स की कटिंग हो गया। अब हम स्टिचिंग करके दिखाएंगे, तो उसके पहले हम पहला डार्ट मार के दिखाते हैं। तो देखिए ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ ही आ सकते हो, ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, तो मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। इस तरह से बिल्कुल स्मूथ उतारते हुए इस तरह सेंटर आना है, और यहाँ से लेके इस तरह करना है। सेंटर में भी आपका पॉइंट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल राउंड शेप होना चाहिए ताकि अच्छी तरह से दिखे। आप देखो ध्यान से किस तरह मैंने शेप लिया है, बिल्कुल अचानक नहीं उतारा है, बिल्कुल स्मूथ इस तरह से लेके गया हूँ। तो इस तरह से मैं एकदम करीब से दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बैक का डाट इस तरह से लगाया जाता है, ताकि कभी भी वहाँ जहाँ हम ख़त्म करते हैं इधर नीचे या ऊपर वहाँ गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए। एकदम प्रेस इसको मार दोगे अच्छी तरह से तो ये पता भी नहीं चलेगा कि डाट मारा हुआ है। तो प्रेस मारने का तरीका भी इसको होता है, थोड़ा डाट को फलका के मारा जाता है, यानी पहले फलका लो उसको, उसके बाद उसको मार दो, पता ही नहीं चलेगा कि डाट लगा हुआ है। तो ये सब बहुत ही एक टेक्निक है, तरीका है, ये सब ध्यान देके आप कटिंग करोगे बनाओगे तो एकदम स्मूथ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने रख के दिखा दिया कैसा हुआ है। अब हम शोल्डर लगा लेंगे, बाद में हम क्या करेंगे इसका जो भी है ये नेक वगैरह वो बाद में हम इसका फालिस कटिंग कर रहे हैं। तो मैंने कर लिया है फालिस, आपको अभी दिखाता हूँ। तो पहले शोल्डर लगा लेना है, पहले अलग अलग नहीं बनाना है। मैं ब्लाउज में भी ऐसे करता हूँ, कुर्तियों में भी ऐसे ही करता हूँ। कभी भी शोल्डर मार के बनाएंगे तो परफेक्ट होता है, एकदम स्मूथ होता है, वहाँ शोल्डर पे मोटा मोटा नहीं होता है और एकदम कम्फर्ट रहता है, जो भी पहनने वाले को अच्छा महसूस होता है। तो इस हिसाब से आपको पहले शोल्डर लगा लेना है। अगर आपको चीरना है ज्वाइंट को तो चीर सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक नम की सिलाई हम यहाँ मारेंगे, और नम का सिलाई मार के ही गले की फालिस वगैरह कटिंग करते हो, तो कभी भी इस तरह से करो तो जो भी बकरम आपको काटना है ये इस तरह से पहले नम की सिलाई गले में लगा लिया करो, तो उससे क्या होता है कि एकदम बराबर टाइट बैठता है गला। तो गला आपका टाइट रहेगा तो बिल्कुल ही परफेक्ट फिटिंग आएगा, लूज नहीं आएगा। आप झुकते हो तो आपका गला लूज होने की वजह से ऐसा जो है उसमें गैपिंग दिखता है, वो नहीं आएगा बिल्कुल ही। तो वो सब बराबर ध्यान देना है। और इस तरह से हमको फालिस जो है थोड़ा कम पे कटिंग करके मैंने लिया है, यानी नम होने के बाद मैंने कटिंग किया है। तो ये क्या होता है कि थोड़ा शॉर्ट रहता है, जब शॉर्ट रहेगा तो गला ऑटोमेटिक टाइट होगा। तो टाइट देखिए मैंने एक इंच शोल्डर जो माइनस किया था उससे टाइट होता है, और इससे भी टाइट होता है। ये ऊपर से नीचे ये टाइट करता है, और साइड से टाइट वो करता है जो मैंने शोल्डर को माइनस किया था। तो ये दोनों टाइटनेस मिला के अच्छी तरह से फिट गले को चिपक कर रहता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही पॉइंटेड है। आप इसको नोटिस करो, इसको आजमा के देखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फालिस को हम इस तरह से रख लेंगे, और इस तरह से बराबर पे ही रखते हुए जाना है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं आएगा, आपको कुछ भी मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर आपने कटिंग किया है बराबर तो स्टिचिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से रख के और पूरा घुमाना है, ज्वाइंट से ज्वाइंट, शोल्डर के ज्वाइंट को बराबर मिलाते हुए जाना है। अब पट्टी को मैंने चिरवा कर लिया, आपने देखा है। पट्टी को चाहिए तो पहले फोल्ड कर सकते हो जो बाहर का इलाका है, लेकिन मैंने अभी किया नहीं है। तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं बाद में करके आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए एक सिलाई जब हमारा हो गया था तो दूसरा सिलाई मैं मार रहा हूँ इसलिए कि एक सिलाई भी इक्वल हो जाए, और हमने डबल टेप डबल पट्टी होती है जो भी हम यूज़ करते हैं वो हम डबल टेप लगा रहे हैं इसमें, ताकि इसका भी गला चिपक जाए अच्छी तरह से हो जाए। इसको गले को हम तुरपाई करेंगे, लेकिन क्या है फिर भी ये चिपका रहेगा तो अच्छी तरह से रहेगा। ये पीछे का पार्ट जो है आगे की तरफ नहीं आएगा, वो तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि तुरपाई कर देते हो तो भी सही रहता है।
लेकिन तुरपाई पे लोड नहीं पड़ेगा, तुरपाई कभी भी टूटेगी नहीं। अगर इस तरह से आप टेप लगा के अगर बना देते हो तो तुरपाई जहाँ भी करते हो अच्छी तरह से रुका रहेगा, काफ़ी दिनों तक चलेगा। इस तरह से होने के बाद में हम इस तरह से कट लगा देंगे, जितना भी राउंडिंग पार्ट है यानी फुल गले में लगा देंगे। ये फुल गला जो है राउंड है, होने के बाद हम इस तरह से एक सिलाई मारेंगे। पट्टी के ऊपर लगाना है लब की सिलाई, आपको मेन कपड़े पर नहीं लगाना है, क्योंकि हमको कहीं भी शो नहीं दिखाना है यहाँ पर गले पर ऊपर की सिलाई का। कभी भी गले पे सिलाई ऊपर से मत मारा करो, वो अच्छा नहीं दिखता है। कितना भी सुंदर सिलाई मार लो वो अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है कि अंदर की सिलाई लगा के और पीछे की तरफ जो पट्टी हमने लगाया उसको जो है तुरपाई करना है। तो तुरपाई करेंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी अच्छी। वो जैसे या तो आप लाइनिंग वाला बना रहे हो तो पलट के लगा सकते हैं, तो हम लाइनिंग वाला नहीं बना रहे हैं, बिना लाइनिंग वाला बना रहे हैं, इसलिए हमको तुरपाई करना और पट्टी लगाना जरूरी था, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कभी इस तरह का भी हो तो आप कर सकते हो। शायद मैं ऐसा नहीं बनाता हूँ, मेरे पास पहली बार इस तरह से मेरे चैनल पर ही अपलोड होने जा रहा है। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस तरह से पट्टियों को एक जैसा इक्वल आना चाहिए, हर जगह जो है पट्टी एक जैसी दिखनी चाहिए। ये भी बहुत ही पॉइंट वाली बात है, कभी भी कहीं भी चौड़ा पतला नहीं दिखाना है आपको। और ये पट्टी पे आपकी चौड़ाई दिख रही है, और लब की सिलाई मारोगे तभी ये पट्टी अच्छी तरह से राउंड होगी। आप इसमें ज़्यादा चौड़ा सिलाई मारोगे तो राउंड ये जो मैंने सिलाई मारा है इस तरह से नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको काट के आपको हटा देना है, नहीं तो फोल्डिंग में ये गले के अंदर फोल्ड होगा, अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैंने हटा दिया और इस तरह से देखिए अब साइड मार लेना है। तो आपने कटिंग बराबर किया और मार्किंग उठाया तो इस तरह मार्किंग पर ही जाना है, बराबर मार्किंग पे ही मारते हुए चला जाना है, ठीक है। और जो भी हमारा हिप का जो स्लिट का हिस्सा है वहाँ पे हम क्या करेंगे इस तरह टाकी बांध देंगे, और बांधने के बाद दूसरे साइड भी हम क्या करेंगे इसी तरह से सेम टू सेम हम कर लेंगे। तो मार्किंग इसीलिए लगाया जाता है ताकि उस पे ही सिलाई हमको चलाना है। तो इसमें आपको कोई भी नापने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम परफेक्ट आ जाता है आपके नाप के हिसाब से। तो कटिंग आपने परफेक्ट किया तो परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो इस तरह से साइड हमारा हो गया, साइड मार लेंगे। अब हमको स्लिट को फोल्ड करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे सब धागे साफ़ कर लेंगे और फोल्ड करेंगे। तो जो भी देखिए एक ही सिलाई में मैं फोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, दो सिलाई में भी होता है, एक सिलाई में मैं करता हूँ। तो एक जैसा इस तरह आपको रखना है और एकदम एक जैसा इक्वल मार्जिन भी अंदर एक जैसा ही जाना चाहिए, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस तरह से रख के आप हाथ पीछे लगा के करना है तो कर सकते हो, तो उससे क्या होता है कि धागे एकदम क्लीन आते हैं और एकदम से स्लिट में ज़रा भी रिंकल नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फोल्डिंग पार्ट पर बिल्कुल रिंकल नहीं आने वाला है। इस तरह से रख के बराबर मोड़ते हुए जाना है एक जैसा। तो देखिए मैंने एक दो बार में किया है, तीसरी बार में ख़त्म कर दूंगा मैं। तो इस तरीके से हमको पूरा स्लिट पे आ गए। अब यहाँ पे भी हमको फोल्ड करना है और जो भी हमने हमारा जॉइंट है साइड का उस पर टाकी बांध देना है, यानी टाका मार दोगे तो जल्दी वहाँ से फटेगा नहीं कपड़ा। तो इस तरह से कर सकते हो, अलग से कपड़ा भी यहाँ लगता है, आप लगाना चाहो तो यहाँ कपड़ा भी लगा सकते हो, जो चिंदी कटिंग करके लगती है। तो उससे क्या होता है कि कभी भी वहाँ से स्लिट फटता नहीं है, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन मुझे ये रफली है, ज़्यादा मुझे नहीं चलाना है, ज़्यादा एक डेढ़ महीना ये पहनने वाला कपड़ा है, इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करेगा, इसलिए हमको वो सब करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से एक तरफ का हो गया, मैं दूसरी तरफ का भी दिखा देता हूँ। इस तरह से दूसरी तरफ भी आप फोल्ड करके करो। तो किस तरह से आपने अगर अच्छे से नहीं समझा होगा तो दूसरी बार जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कपड़ा जो है किनारी भी इसमें आ गया, इसलिए कि हमारे पास इतना कपड़ा नहीं था कि हम साइड में, क्योंकि शोल्डर पे जाके थोड़ा कम पड़ रहा था ये कपड़ा, थोड़ा इसका विड्थ जो है हल्का सा कम था, तो कम होने की वजह से ये थोड़ा सा किनारी आ गया है। नहीं तो हम किनारी रखते नहीं हैं, किनारी को पहले कटिंग करके हटा देते हैं, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ भी एक टाका लगाएंगे और टाका बांधने के बाद में फिर स्लिट को कम्प्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग को आता होगा, लेकिन मैं अपना तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। स्टिचिंग भी बहुत भाई लोग बोलते हैं कि स्टिचिंग नहीं दिखाते हो, तो जो मेरे पास ऐसा स्टिचिंग के लिए मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम है बना सकता हूँ मैं। कारीगरों वाला वीडियो मैं बिल्कुल अपलोड नहीं करता हूँ, जो कारीगर करते हैं उसको टच भी नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि कारीगरों के सामने मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मुझे खुद ही गिल्टी महसूस होता है। इसलिए जो है मैं जो है क्या करता हूँ अलग से वीडियो बनाता हूँ, जब वो नहीं रहते हैं नाइट में बनाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। अब स्लिट को इस तरह बराबर करके हम जो भी लेंथ छोटा बड़ा होगा उसको कटिंग कर लेंगे। तो छोटा बड़ा नहीं होगा फिर भी आपको नाप लेना है, और इस तरह से हमको नापने के बाद में हमको क्या करना है कि अभी हमको दामन को ठीक कर लेना है। तो जरा भी आपको दिखता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप छांट के बराबर कर लो, और कि जिसका भी पेट बड़ा है फ्रंट का हिस्सा आपको थोड़ा बड़ा रखना है, इस तरह का राउंडिंग के साथ रखना है जैसा ये दिख रहा था हल्का सा राउंडिंग। और जिसका बैक बड़ा है, समझो हिप बड़ा है, तो बैक को रखना है लंबा, नहीं तो आपको इक्वल इस तरह से मैं जो कटिंग कर रहा हूँ इस तरह से कर लेना है। तो यंग लड़कियों के लिए सीधा ही रखा जाता है, इसमें कोई वो नहीं होता है, और जो भी उम्र वाले होते हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होता ही है,
ज़्यादातर पेट बड़े होते हैं, और मुंबई में तो अक्सर मैंने देखा है हिप बड़ा होता है ज़्यादातर, तो इस हिसाब से मैं बनाता हूँ, तो उसको ध्यान के कस्टमर को ध्यान रख के इस तरह से कटिंग करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने एक ही सिलाई में किस तरह से मार दिया पूरे मतलब दामन को, यानी के नीचे के घेरे को। ठीक है, तो इस तरीके से ही मार लेना है, और एक जैसा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से एक ही बार में हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा अगर अच्छा है तो एक बार में ही सब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो एक जैसा देखो मैंने मार लिया है, तो इस तरह से मार लेना, ये हमारा दामन भी हो गया और स्लिट भी हो गया, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स पे जाएंगे, और पहले ही सब धागे कटिंग करते हुए जाना है आपको, धागे छोड़ना नहीं है कहीं भी। लास्ट में कटिंग करते हो तो प्रॉब्लम होता है, कटिंग करते जाओ सिलते जाओ, यही तरीका होता है, यही सबसे बेस्ट तरीका है। और प्रेस लगाते जाओ और वर्लक मारते जाओ। लेकिन मैं आपको ये स्टिचिंग वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं सब कर करके दिखाऊंगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मेरे पास टाइम इतना नहीं है। तो जल्दी जल्दी मैं ये, मुझे रात के कम से कम 1 या 1.5 बज रहे हैं, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपको कर लेना है। ओके, तो इस तरह से जब हो जाएगा तो ये हम इसको मोरी को बंद कर देंगे। तो मैं ये इंटरलॉक मशीन अभी नहीं चलाऊंगा, अभी सुबह इसको मार लूँगा मैं। तो इस तरीके से करके आपको ये बंद कर लेना है। तो इस तरह से जो भी हमारा निशान लगा है उसी पे पहले स्लीज को इस तरह से मार लो, और दूसरे को अंदाज से मार सकते हो दूसरे स्लीज में। अगर मार्किंग आपने उठाया है तो ठीक है, नहीं उठाया तो अंदाज से भी सेम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ आपको ये मोरी जो है वो बराबर एक जैसा इक्वल कर लेना है, और बाकी अंदाज से आप सिलाई लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो किसी किसी का आर्मोल जो है चौड़ा पतला होता है, यानी आर्म जो है चौड़ा पतला होता है, किसी का आर्मोल कम ज़्यादा होता है, तो उसमें कम ज़्यादा करके नाप के इस तरह से कर लिया जाता है कि किधर का स्लीज है तो मैं लूज़ करूँ और किधर का है तो टाइट करूँ, तो वो सब भी देखा जाता है। इस तरह से एक नम की सिलाई हमको आर्मोल पे लगा लेना है, स्लीव के आर्मोल, बॉडी के आर्मोल पे बिल्कुल नहीं लगाना है, इस पे ही लगाना है। तो सेंटर में देखो मैंने उंगली रख के एकदम से नम दिया था, और बाकी जगह पे ऐसे नॉर्मली नम दिया है मैंने। तो इस तरीके से देखे थोड़ी दूर तक ऐसे ही आना है। अब हमको क्या करना है कि इस तरह से उंगली रख के पीछे की तरफ इस तरह से सिलाई जब चलाएंगे तो काफ़ी नम हो जाता है, और इसके बाद यहाँ भी आके छोड़ देना। तो इस तरह से आप कर लो, नम की सिलाई लगा लो। इस तरह से क्या होता है कि सेंटर में ही ज़्यादा नम होता है, बाकी जगह पर बराबर होता है। हम इसको पलट देंगे, पलटने के बाद में हम इसको चेक करेंगे कि बॉडी का जो हमारे बॉडी के पार्ट का आर्मोल और ये आर्मोल बराबर है कि नहीं है। तो देखिए बराबर ही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हमको छाटने उठने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसको स्लीव को चढ़ा देंगे। तो देखिए मैं कभी भी साइड मार के आस्तीन चढ़ाता हूँ, तो इस तरह से आप चढ़ाते हो, आपको पसंद है तो इस तरह चढ़ा सकते हो, नहीं तो आपने आप जैसा भी चढ़ाते हो वैसा चढ़ा लो। तो ये मेरे तरीके से अगर करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है, मेरे लिए तो ठीक ही है, आप लोग देखो क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, आर्मोल को चढ़ाएंगे। तो देखो मैं ऊपर के पार्ट यानी स्लीव के आर्मोल को किस तरह से नम देते हुए नीचे के उंगली रख के मैं हल्का सा टाइट रखा हूँ, यानी कि साफ करके रखा हूँ, और ऊपर को नम देते हुए जा रहा हूँ। तो इस तरह से अगर मशीन चलाएंगे और समझ के चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, और एक ही बार में ये बैठ चढ़ जाता है। ठीक है, अब हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे, तो इसलिए लगा लेना है कि अगर टेढ़ा मेढ़ा भी है तो ये सही हो जाए, यानी आपने पहला सिलाई लगाया है कहीं भी ये थोड़ा 19-20 हुआ है तो आप ये इस तरह कर लोगे तो एकदम से बराबर हो जाता है। तो ये इसके लिए भी डबल सिलाई चला जाता है और मजबूती भी आ जाती है। तो देखो मैंने चढ़ा लिया है, अब हम क्या करेंगे इसको डमी पे लगा के आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको गले को कच्चा करके दिखाते हैं कि जो हमने इस तरह से लगा लिया था पालिश, तो आपको इस तरह से सुई धागे से आप थोड़ी पूरे गले को कच्चा कर सकते हो। इसको कच्चा किया जाता है, कच्चा करने के बाद में अगर करते हो तो भी अच्छा होता है, डायरेक्ट प्रेस भी मार सकते हो। आपको नहीं जमता है, समझो प्रेस आपके पास नहीं है ताबड़तोड़ में, तो इस तरह से कच्चा कर लो, और कच्चा करने के बाद में बैक की जो भी हमारा फालिस है उसकी तुरपाई कर लो। तो ये कच्चा होता है तो जितना भी हमको मार्जिन निकालना होता है निकल जाता है, एकदम से एक जैसा पूरा गला हो जाता है। ये गला एक जैसा हो जाता है, उसके बाद इसको देखो किस तरह का हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है पलट के और तुरपाई कर देंगे, और आपके पास ताबड़तोड़ अगर प्रेस करना है तो कर सकते हो। देखो कितना एक जैसा जितना चाहिए उतने पे फोल्ड हो गया है। तो इस तरह हम कच्चा करके कर लेंगे और पलट के अब तुरपाई कर देंगे। तो इस तरह से तुरपाई कर लेना है पूरे गले को। ठीक है, तो अगर स्लीज में पट्टी लगा के भी करना था तो आप कर सकते थे, या तो आपको स्लीज में भी अगर तुरपाई करना है तो कर सकते हो। तो ये मेरा कटिंग, मेरा स्टिचिंग, ये करने का तरीका, ये जो भी आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो,
सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो ये जैसे ही तुरपाई हो जाएगा हम प्रेस मारेंगे और प्रेस मार के आपको डमी पे चढ़ा के आपको अच्छी तरह दिखाएंगे कैसा दिखता है। ये डमी के साइज़ का तो नहीं है लेकिन फिर भी हम पिन वगैरह लगा के बैग में इसको आपको चढ़ा के आपको दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह का ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तुरपाई हमारी कम्प्लीट होती है। तुरपाई करना आपको आता ही होगा, तो इस तरह से तुरपाई किया जाता है। तुरपाई करके इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद में हम प्रेस करके आपको डमी पे लगा के दिखाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए गला कितना टाइट हुआ है, यानी कि गला इसीलिए किया जाता है। आर्मोल देख लो, फिर आप गला देखो कितना, ये फ्रंट के हिसाब से बैक के हिसाब से ये फ्रंट का गला कितना टाइट है। बैक में देखो कितना इस तरह का रिंकल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बैक पर एकदम साफ होगा और गला एकदम टाइट होगा। इसीलिए मैं बताता हूँ कि कभी भी गला टाइट बनाया करो। तो देखिए मैंने कर लिया किस तरह का दिख रहा है। तो ठीक है, ये गले पे कहीं लूजिंग नहीं है। बैक का भी गला बिल्कुल साफ है, यानी कि टाइट है, और फ्रंट का भी बिल्कुल टाइट है। आर्मोल वगैरह देखो ये भी एकदम क्लीन है। तो इस तरीके से बनाओगे तो बराबर आएगा। मैंने बैग में पिन मारा है तो बैग का पिन हमने लगा के इस तरह का शेप दिया है, नहीं तो ये साइज में बड़ा है। तो देखो मैंने इस तरह का पिन लगा लिया है। ठीक है, तो इस तरह से लगा के मैंने किया है। अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ कि बैग का डाट किस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से बैग का भी डाट एकदम स्मूथ दिखाई देता है, कुछ इसमें से प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह बनाओ मेरे तरीके से और बना के ट्राई करो। तो देखिए गला बिल्कुल टाइट है, आर्मोल वगैरह सब जगह से टाइट है, कहीं ऐसा कुछ रिंकल उंकल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप बनाओ और फिर आप देखो और फिर मुझे कमेंट करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।